भाई हाल ही में हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने कोलैबोरेट किया था सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट फेसबुक के साथ ताकि वो कर सके फंड रेजर कॉन्सर्ट दैट इज आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट। जी हाँ, बात करें इस कॉन्सर्ट की तो इस कॉन्सर्ट में बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड के भी काफी सारे सेलिब्रिटीज ने पार्टिसिपेट किया था। पर बात करें इस कॉन्सर्ट की तो ये कॉन्सर्ट कल शाम को हुआ था 7:30 बजे और इसके दौरान काफी सारे सेलिब्रिटीज ने एंटरटेन किया लोगों को और साथ ही साथ किया फंड रेज टू दोज हु हैव नो होम एंड नो वर्क। पहले आपको बता दें कि इस कॉन्सर्ट में प्रियंका चोपड़ा उनके पति निक जॉनस ने भी पार्ट लिया था। और आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा ने इसी कॉन्सर्ट के दौरान एक काफ़ी अच्छी पोइम भी सुनाई। जिस पोइम की बात करें तो ये पोइम लिखी थी उनके फ्रेंड विजय मौर्या ने और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी प्रियंका चोपड़ा ने इस पोइम को किया है पोस्ट इन अ वीडियो फॉर्म। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। आज मैं आपके लिए एक कविता पढ़ना चाहूंगी। इस कविता के लेखक हैं विजय मौर्य। आज हमारी हवा हमसे रूट गई है, रूठी हवा को मना लेते हैं, लाड़ प्यार से घर वापस बुला लेते हैं। आज हम तड़प रहे हैं कि कब समुंदर की लहरों से खेलें, पहाड़ों पर जाकर चीखें चिल्लाएं, बाहर रास्तों पर तफरी करें, गाड़ी की चाबी घुमाकर हवा से बातें करें, यार दोस्तों से जप्पी शप्पी रिश्तेदारों में मटर गस्ती करें। पर रुकते हैं, पहले रूठी हवा को मना लेते हैं, लाड़ प्यार से घर वापस बुला लेते हैं। किसी की डॉक्टर माँ आज भी घर से बाहर अस्पताल में है, किसी का पुलिस भाई आज भी सड़क पर तैनात है, किसी की बूढ़ी नानी ने खेत में आज भी सब्जियां उगाई हैं, किसी की दीदी आज भी झुग्गी झोपड़ियों में अनाज पहुंचा रही है। हमारी रूठी हवा को मना रही है। हमें भी घर बैठने की एक छोटी सी जिम्मेदारी दी गई है, तो रुकते हैं। हमारी एक गलती एक जान मांग रही है, हमारी एक गलती से एक जान जा रही है। रुकते हैं, समुंदर वही है, पहाड़ वही है, उगता डूबता सूरज, चांद की रोशनी, टिमटिमाते तारे, तफरी के रास्ते, मटर गस्ती के अड्डे, सब वही है। और यही कह रहे हैं कि रुको, तो रुकते हैं, पहले रूठी हवा को मना लेते हैं, लाड़ प्यार से घर वापस बुला लेते हैं, तो रुकते हैं। इट्स टाइम टू से आई कैन, आई विल एंड आई मस्ट। प्रेस द डोनेट बटन बिलो ऑन द फेसबुक पेज एंड डू योर बिट फॉर इंडिया। आई फॉर इंडिया। जिस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में उन्होंने बताया है कि कैसे जो ये वाली पोयम है ये कितनी ज़्यादा कनेक्ट करती है आज की सिचुएशन के साथ। और आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको उनकी ये पोयम कैसी लगी, ज़रूर बताएगा इन कमेंट सेक्शन में। दैट्स अ रैप फॉर टुडे। फॉर मोर बॉलीवुड अपडेट्स की वॉचिंग गूगल बॉलीवुड।